हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया। अक्सर हम लोगों में घुटनों के दर्द की शिकायत करते हम देखते हैं। इनमें बड़ी उम्र की लोगों के साथ साथ सामान्य आयु के लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन अधिक उम्र में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा होती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे घुटनों के दर्द से बचा जा सकता है और कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिनको करके घुटने दर्द के रोगी घुटना दर्द से हमेशा मुक्ति पा सकते हैं और ऑपरेशन से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेके आऊंगा जिनसे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका इलाज भी करवा सकेंगे। दोस्तों, 10 में से एक भारतीय किसी ना किसी प्रकार के आर्थराइटिस से ग्रसित है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वृद्धावस्था में आने वाली एक बीमारी है, परंतु वास्तविकता में यह है कि यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। यह बीमारी सामान्यतः वजन सहन करने वाले जोड़ों जैसे घुटने, कूल्हे वे रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। सामान्य भाषा में कहें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों के घिस जाने से होने वाली एक बीमारी है। ऐसा क्या होता है, हमारे शरीर में ऐसे कौन से बदलाव होते हैं जिसकी वजह से उम्र के साथ साथ दर्द का रिश्ता और भी गहरा होता जाता है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, आपकी जानकारी आपके परिवार व रिश्तेदारों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगा जिनकी वजह से उम्र के साथ साथ दर्द बढ़ता है। पहला कारण, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से घुटनों के कार्टिलेज टूटने लग जाते हैं, जो कि घुटनों की हड्डी को खराब होने से बचाने का कार्य करते हैं। दूसरा कारण है मोटापा। मोटापा घुटने में दर्द की बड़ी वजह है। शरीर का अधिक वजन हमारे घुटनों को ही उठाना पड़ता है। हड्डियां आपस में रगड़ करने लगती है और घुटनों को नुकसान पहुंचाती है। अधिक उम्र के साथ यदि आपका वजन अधिक हो तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा और भी बढ़ जाता है। तीसरा कारण है मांसपेशियों में बदलाव। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और कार्य क्षमता कम होने लगती है तो धीरे धीरे मांसपेशियां सिकुड़ने और कमजोर होने लगती है। इस कारण घुटनों पर अधिक दबाव पड़ता है और इसी कारण घुटनों में दर्द होने लगता है। चौथा कारण है हार्मोन्स। स्त्रियों में हार्मोन्स के असंतुलन की वजह से भी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, क्या आप सुबह सुबह जोड़ों में अकड़न महसूस करते हैं? क्या आपके घुटनों के जोड़ गर्म रहते हैं? क्या आप आलती पालती मारकर बैठ नहीं पाते हैं? क्या आपके सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय दर्द होता है? क्या आपके जोड़ों में कट कट की आवाज आती है? क्या आपके घुटने मोड़ने में सीधे करने में दर्द होता है? क्या आपके जोड़ों में जलन होती है? दोस्तों, अगर सभी या इन सवालों में से ज्यादातर सवालों के जवाब आपके हाँ हैं तो आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से ग्रस्त हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटनों में दर्द को हम जाने अनजाने में न्योता देते हैं। हम दौड़ भाग भरी जीवन शैली में कुछ काम ऐसे करते हैं जिनसे हमारे घुटने जल्दी खराब होने लगते हैं, जैसे कि शारीरिक श्रम नहीं करना, वसा युक्त भोजन का उपयोग ज्यादा करना जिससे वजन बढ़ जाता है, घुटनों पर चोट लगना, लंबे समय तक एक ही अवस्था में बैठे हुए खड़े रहना, जिम में विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में व्यायाम करना, गलत योग व व्यायाम देखा देखी में करना, घुटनों की चोट में ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी न कराना, गलत नाप आकार व प्रकार तथा हील के जूते चप्पल पहनना, हर कदम के साथ हमारे जोड़ों पर असर जरूर पड़ता है। अधिक उम्र होने के कारण हमारे जोड़ काफी चल चुके होते हैं। इससे बढ़ती उम्र के कारण जोड़ों को अधिक नुकसान होने लगता है। इसलिए दोस्तों, घुटनों का ख्याल रखना जरूरी है। दोस्तों, मैं अब आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिनका ध्यान रखकर आप घुटनों को दर्द को पूर्णतया खत्म कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आप अपना वजन कम करें। शरीर का 5% वजन कम करके ही घुटनों के दर्द को कम किया जा सकता है। वजन को हमेशा उम्र, ऊंचाई और शारीरिक बनावट के अनुसार उचित रखना चाहिए। दूसरी ये बात है कि दोस्तों, खान पान सही करें। दोस्तों, कैल्शियम से परिपूर्ण आहार लेना चाहिए, जैसे
जैसे बादाम, अखरोट, पनीर, मेथी जैसे खाद्य पदार्थों को अपनी आहार में शामिल करना चाहिए। तीसरी बात यह है दोस्तों, लंबे समय तक एक ही स्थिति में न तो खड़े रहें और न ही बैठें। चौथी बात दोस्तों यह है कि अगर आपको दर्द होता है तो आप सुबह गर्म पानी से नहाएं। पांचवी यह बात है कि आप घुटनों के मोजों या ब्रेस का उपयोग करें जिससे बीमारी बढ़ने से रुक सकेगी। दोस्तों सातवीं बात यह है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि अत्यधिक दर्द होने पर अल्ट्रासोनिक थेरेपी, डीप हीट थेरेपी और IRR जैसे फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा उपचार की जाने वाली शेक को आप यूज कर सकें। आठवीं बात को ये ध्यान रखना है दोस्तों, वह यह है कि आपको नियमित रूप से साइकिल चलाएं। नौवीं बात यह है कि घुटनों के दर्द से पीड़ित व्यक्ति को नियमित रूप से फिजियोथेरेपिस्ट के बताए अनुसार विशेष प्रकार के व्यायाम दोस्तों जरूर करने चाहिए जिससे घुटनों को दर्द मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको करके आप दर्द मुक्त जीवन जी सकते हैं और ऑपरेशन से बच सकते हैं। दोस्तों प्रत्येक व्यायाम 20-20 बार ही करें। व्यायाम करने से पहले घुटनों पर गर्म पानी का दोस्तों सेक जरूर करें। दोस्तों सबसे पहली एक्सरसाइज है घुटना दबाना। सीधे लेटकर घुटने के नीचे तकिया या टवाल रखकर अपने घुटने की मांसपेशियों को टाइट करते हुए तकिए को 10 सेकंड तक दबाएं। दोस्तों यह एक्सरसाइज 20-20 बार दिन में 3 बार जरूर करें। दूसरी एक्सरसाइज है घुटने को मोड़ें व सीधा करें। दोस्तों यह एक्सरसाइज आपके घुटने को के मूवमेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों घुटने को मोड़कर 10 सेकंड रोकें और फिर वापस सीधा करें। दोस्तों यह एक्सरसाइज 20-20 बार दिन में 3 बार जरूर करें। इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने का मूवमेंट बराबर बना रहेगा और घुटने में अकड़न जकड़न की समस्या से आपको निजात मिलेगी। दोस्तों यह एक्सरसाइज घुटने के दर्द के मरीजों के लिए रामबाण से कम नहीं है। दोस्तों तीसरी एक्सरसाइज है पैर को सीधा ऊपर उठाएं। दोस्तों सीधा लेटकर अपने पैर को सीधा ऊपर उठाना है घुटने को बिना मोड़े और 10 सेकंड तक रोक कर रखना है। दोस्तों इस एक्सरसाइज को 20-20 बार दिन में 3 बार जरूर करें। इस एक्सरसाइज को करने से आपका पैर आपके शरीर का वजन झेलने लगेगा और आप अच्छे से चल पाएंगे। तो दोस्तों यह एक्सरसाइज 20-20 बार जरूर करें। दोस्तों चौथी एक्सरसाइज है घुटने को सीधा करें। दोस्तों कुर्सी या पलंग पर बैठकर घुटने को सीधा करें और 10 सेकंड तक रोकें। दोस्तों यह एक्सरसाइज आपकी घुटने के ऊपर की क्वाड्रिसेप्स मसल्स को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है। दोस्तों 10 सेकंड रुकने के बाद घुटने को वापस मोड़ें। इस एक्सरसाइज को 20-20 बार दिन में 3 बार जरूर करें। दोस्तों ये थी जानकारी घुटनों के दर्द और उसको कम करने के लिए आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और बताई गई एक्सरसाइज को अगर आप नियमित रूप से अपनाते हैं, करते हैं तो आप दर्द मुक्त जीवन जी सकते हैं, ऑपरेशन से बच सकते हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।